Hello everyone. Welcome to Study Vibes Education. Welcome to Study Vibes Education. Welcome to Study Rajendra Daily CA One Liners Vertical Bar, 18th July 2021. Rajendra Vishwanath Arlekar swear-in as the 28th Governor of Himachal Pradesh. राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सिरिशा बंदला रिटर्न फ्रॉम हर मेडन स्पेस फ्लाइट। शी बिकेम द थर्ड इंडियन ओरिजिन वुमन टू फ्लाई इनटू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सिरिशा बंदला अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान से लौट गई है। वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला है। नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अपॉइंटेड शेर बहादुर देउबा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेपाली कांग्रेस पार्टी, एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेता शेर बहादुर देउबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज न्यू साउथ वेल्स NSW अनाउंस्ड एन इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज वर्थ ओवर 5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एमिंग टू हेल्प बिजनेसेस एंड पीपल अक्रॉस द स्टेट एमिड द करंट COVID-19 लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स सरकार NSW ने मंगलवार को मौजूदा कोविड लॉकडाउन के बीच राज्य भर के व्यवसायों और लोगों की मदद करने के उद्देश्य से $5 बिलियन से अधिक के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की। द यूएस सेनेट हैज यूनानिमसली कन्फर्म प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स पिक जेन ईस्टली एज डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी सिसा। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति जो बाइडेन की पसंद के जेन ईस्टर्ली को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचा सुरक्षा एजेंसी CISA के निदेशक के रूप में चुनने की पुष्टि की है। कैम्बोडिया विल होस्ट द 13th एशिया यूरोप मीटिंग ASEM Summit on November 25th and 26th via video conference. कंबोडिया 25 और 26 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 13वें एशिया यूरोप बैठक ACM शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। As interest rates continue at unprecedented low levels, the Reserve Bank India may start tightening the monetary policy. And the gradual normalization of the policy is likely to start by the end of this financial year. इस समय ब्याज दरें अभूतपूर्व निचले स्तर पर जारी हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को सख्त करना शुरू कर सकता है और इस वित्त वर्ष के अंत तक नीति का क्रमिक सामान्यीकरण शुरू होने की संभावना है। फॉर्मर इंडिया बैट्समैन यशपाल शर्मा, a member of the 1983 World Cup winning side, passed away at his home in Noida. He was 66. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य यशपाल शर्मा का नोएडा में उनके घर पर निधन हो गया। वह 66 वर्ष के थे। दीपक कबरा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड for judging the gymnastics competition of the Olympic Games. Deepak Kabra Olympic खेलों की gymnastics स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। Deepak Kabra Olympic खेलों की gymnastics 2026. Thank you so much. Deepak Kabra Olympic India will host the World Badminton Championships in 2026, Badminton World Federation (BWF) said. विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF) ने घोषणा की कि भारत 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
अध्यक्षता करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शाइनिंग ऑफ।